आता ब्रेकिंग न्यूज आहे, शिवसैनिकांनी एका 62 वर्षीय निवृत्त नौदल अधिकाऱ्याला मारहाण काल केलेली होती। कांदिवलीतल्या समतानगर भागात ही घटना घडली आहे। मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आक्षेपार्ह व्यंगचित्र समाज माध्यमांवर फॉरवर्ड केल्याचा आरोप करत शिवसैनिकांनी ही मारहाण केली। तर मदन शर्मा असं या निवृत्त नौदल अधिकाऱ्याचं नाव आहे। या मारहाणीमध्ये शर्मा यांच्या चेहऱ्याला आणि डोळ्याला गंभीर इजा झाली आहे। त्यांच्यावर जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे। तर या प्रकरणी 2 शिवसैनिकांसह इतर 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे। दरम्यान या मारहाणीच्या घटनेवरून राजकारण सुरू झाले आहे। तर आता अभिनेत्री कंगना रनौतनंही शिवसेनेवर टीका केली आहे। कोई अपना आवाज़ उठाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसको मारते हैं वो लोग, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट है वो लोग मारते हैं। अभी एक मैनेजर है IDBI, आई थिंक कौन से बैंक का, अभी रिसेंटली उसको मारे हैं, मेरे डैड को मारे हैं। कोई अपना आवाज़ उठाता है उसका घर जाके तोड़ देते हैं। ये मतलब ये जो मुंबई में चालू है, ये बहुत गलत अभी चालू है। क्या कारण है फौजी भाई को पीटने का? शर्म आनी चाहिए इन्हें। हम अनुरोध करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि जिन नेताओं ने इन फौजी भाइयों को मारने का दुस्साहस किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और शिवसेना के मन में कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा भय है, कौन सी ऐसी उनकी बौखलाहट है कि उनका हर कदम एक नई गलती को जन्म दे रहा है और उनकी एक नई गलती उनके विनाश के लिए कारण बन रही है। अभी भी शिवसेना नेता अपने आप को संभाले, इस प्रकार का दुस्साहस पुनः न करें। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूँ कि सत्ता और राजनीति से परे, यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीज़ों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। दरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मारहाणीवरून शिवसेनेवर टीका केली आहे। नेमकी काय टीका त्यांनी केली आहे पाहूयात। अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर घटना, एका व्हॉट्सअप कारवाई फॉरवर्डमुळे एका माजी नौदल अधिकाऱ्याला गुंडांनी मारहाण केली। उद्धव ठाकरेजी, हा गुंडा राज थांबवा, या गुंडांवर कठोर कारवाई आणि शिक्षा झालीच पाहिजे असं ट्विट देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे।